खर्चा निकलेगा वो 152 रुपए है पूरे साल में, हमारे हिंदुस्तान के एक किसान के विकास पर सरकार जो खर्च करेगी एक साल में वो 152 रुपए होगा। अब आप कल्पना कर सकते हैं 152 रुपए में किसान का क्या विकास होगा, और ये तो वो रुपया है 152 रुपए जो बिना भ्रष्टाचार के ईमानदारी के साथ खर्च किया जाए। परम पूजनीय स्वामी जी राजीव गांधी का जिक्र करके जो बता रहे थे, राजीव गांधी ने 1984 में संसद भवन में खुलेआम ये कहा था कि विकास के लिए जब एक रुपया मैं भेजता हूं तो 15 पैसा ही पहुंचता है, इसका माने 15% का ही विकास होता है, 85% भ्रष्टाचार में जाता है। और ये 1984 में कहा था जब भ्रष्टाचार बहुत कम था, अब 1984 से 2008 आ गया, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, तो हो सकता है कि वो 15 पैसा 10 पैसा ही रह गया हो। लेकिन फिर भी मैं राजीव गांधी जी को ध्यान में रखते हुए बात कहता हूं, तो 152 रुपए अगर ईमानदारी से खर्च किया जाए तो एक किसान का खर्चा निकलेगा, अगर भ्रष्टाचार में 85% ये पैसा डूब जाए तो एक किसान का खर्चा सिर्फ 15 रुपए 80 पैसे निकलेगा। आप सोचिए, इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ी क्रूरता किसान के प्रति क्या हो सकती है। हिंदुस्तान का किसान जो सरकार को सबसे ज्यादा धन इकट्ठा करके देता है, आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, वो ये कि हमारे देश का किसान जो सबसे ज्यादा तकलीफ में रहता है, सबसे ज्यादा तकलीफ में जिंदगी गुजारता है, सबसे ज्यादा तकलीफ में अपना जीवन बिताता है, वो किसान इस देश को सबसे ज्यादा धन पैदा करके देता है, पूंजी उत्पादन के रूप में, खेती करके पूंजी उत्पादन कैसे होता है आप जानते हैं। एक बीज हम खेत में डालते हैं गेहूं का, उसका जब पौधा बन के तैयार होता है तो उसमें 125 से 150 बीज निकलते हैं, तो ये पूंजी का उत्पादन करके किसान देता है सरकार को। ये उत्पादन कितना है, करीब 10 से 10.25 लाख करोड़ का है। हर साल हिंदुस्तान का किसान जो खेत में अन्न पैदा करता है, गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, और खेत में जो सब्जियां पैदा करता है, जो फल पैदा करता है, जो दूध पैदा करता है, दूध से बनने वाली चीजें जो किसान देता है, उसका कुल उत्पादन पूरे देश में 10.5 लाख करोड़ का है। तो जिन किसानों का कुल उत्पादन देश के लिए 10.5 लाख करोड़ साल का हो, उन किसानों के ऊपर सरकार का कुल खर्चा 10,629 करोड़ रुपए हो, 1% भी नहीं निकलता। इतना बड़ा मजाक और इतनी बड़ी क्रूरता हमारे किसानों के साथ हो रही है। हमारे किसान साल दर साल गरीब और गरीब और गरीब क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो खर्चा उनके ऊपर किया जा रहा है वो एक किसान का साल भर का खर्चा 15 रुपए 80 पैसे है। अब इसमें वो क्या ओढ़ेगा, क्या बिछाएगा, क्या खाएगा, क्या नहाएगा। वो एक कहावत है ना हिंदी में, नंगा नहाए क्या और निचोड़े क्या, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं है। तो हमारे किसानों की हालत हिंदुस्तान के उन नंगों जैसे लोगों की है जो क्या ओढ़े, क्या बिछाए, क्या निचोड़े और क्या पहने। एक और गहरी बात कहना चाहता हूं, वो ये कि इन्हीं किसानों की खेती की सिंचाई की व्यवस्था के लिए इस साल के बजट में जो रकम रखी गई है वो 739 करोड़ रुपए है। मैं आपको बजट के पूर्व सर्वेक्षण की एक जानकारी देना चाहता हूं, वो ये कि हिंदुस्तान में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन है जिस पर खेती हो रही है, ये इस साल की रिपोर्ट है। 2 साल पहले तक ये 17 करोड़ हेक्टेयर जमीन हुआ करती थी जिस पर खेती हो रही थी। 3 करोड़ हेक्टेयर जमीन अभी कम हो गई है खेती के लिए। आप बोलेंगे जी कहां चली गई, ये 3 करोड़ हेक्टेयर जमीन सेज में चली गई। आपने सुना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं जहां हजारों एकड़ जमीनें ली जा रही हैं, सेज में चली गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में चली गई, और खेती में यूरिया डीएपी डालकर जो बर्बादी हुई है उसमें ये जमीन चली गई। तो अब देश में खेती योग्य जमीन सिर्फ 14 करोड़ हेक्टेयर रह गई है। 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन में सिर्फ 5 करोड़ हेक्टेयर जमीन है जिसमें सिंचाई की व्यवस्था है। बाकी की जो 9 करोड़ हेक्टेयर जमीन है उसमें सिंचाई की कोई व्यवस्था ही नहीं है। प्रतिशत में अगर निकाला जाए तो हमारी कुल कृषि भूमि का सिर्फ 40% भूमि है जिसमें सिंचाई की व्यवस्था है। 60% भूमि भगवान के भरोसे चलती है। भगवान के भरोसे माने बारिश हो गई
तो फसल आ जाएगी, बारिश नहीं हुई तो फसल मर जाएगी। और कभी देर में बारिश हुई तो वो 60% जमीन में जो बीज डाला है किसानों ने वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जैसे इस साल हुआ है अपने उत्तर भारत में, बारिश 1 महीने और 3 दिन देरी से आई है। इसके कारण लाखों नहीं करोड़ों किसानों का जो बीज डाला गया था पहली बार खेत में वो पूरा चौपट हो चुका है, और उसके लिए जो करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए थे वो बर्बाद हो गए। तो 60% जमीन पर पानी की व्यवस्था नहीं है, भगवान के भरोसे है, सिर्फ 40% जमीन पर पानी है। तो होना क्या चाहिए बजट में? बजट में ये होना चाहिए कि सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्च होना चाहिए, लेकिन इस साल के बजट में सिंचाई के लिए सिर्फ 739 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और अगर किसानों के हिसाब से इसको भ्रष्टाचार में चला गया ये धन, तो हर किसान पर 110 रुपए का ही खर्चा निकलेगा सिंचाई के लिए। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि सिंचाई की व्यवस्था इस बार के बजट में भी होने वाली नहीं है। अब सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने वाली है तो अन्न का उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है, और अन्न का उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है तो 1,80,00,000 नए बच्चे हर साल इस देश में पैदा हो जाते हैं जिनके मुंह खाने के लिए खुल जाते हैं, उनके लिए अतिरिक्त अन्न की व्यवस्था कहां से होगी? आपको मालूम है हर साल इस देश की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया के बराबर बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, उसकी कुल आबादी 1,80,00,000 है। इस देश में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाता है, 1,80,00,000 बच्चे हर साल इस देश में पैदा हो जाते हैं। तो जिस देश में एक ऑस्ट्रेलिया हर साल जुड़ जाता हो, वहां नए नए लोग खाने वाले तैयार होते रहे, और खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था ना होने पाए और अन्न का उत्पादन ना बढ़ने पाए, तो आप भुखमरी की हालत इस देश में पैदा कर दें, और वो भुखमरी की हालत में आपको फिर किसी से भीख मांगनी पड़े, अन्न लेना पड़े, तो आपका स्वाभिमान और सम्मान भी गिरवी रख दें। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए, अन्न के लिए किसी देश के सामने खड़े होते हैं तो वो पूरी आपकी इज्जत उतार लेता है और पूरा स्वाभिमान आपका गिरवी रखवा लेता है। आप में से कई बुजुर्ग यहां बैठे हैं, आपको याद होगा श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के पहले ये देश में अन्न का उत्पादन कम होता था तो अमरीका से हम भीख मांगते थे, तो लाल रंग का अमरीका का गेहूं आता था। पीएल 480 नाम की एक योजना चला करती थी, जिस गेहूं को अमेरिका में सुअर नहीं खाते वो गेहूं हिंदुस्तानियों को मजबूरी में खाना पड़ता था। भला हो श्री लाल बहादुर शास्त्री का जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही वो योजना खत्म की और इस देश में गेहूं के उत्पादन पर इतना जोर दिया कि आज हम पूरे देश को उत्पादन करके गेहूं खिला सकते हैं और करोड़ों मीट्रिक टन गेहूं पड़ोसी देशों को भी खिला सकते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, 2 से 3 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं तो हमारे अब चूहे खा जाते हैं हर साल, इतना गेहूं इस देश के किसानों ने पैदा किया। तो मुझे वो दिन याद आते हैं कि आज अगर हम बजट में सिंचाई की व्यवस्था अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, अन्न उत्पादन हम नहीं बढ़ाएंगे, कल को फिर हमें भीख